गांव का नाम तो मुझे पता था निकाटपुर है, फिर भी एक बार हम बायोग्राफी चेक कर रहे हैं। और यार देखो, आप खुद देखो कहाँ 4 किलोमीटर रह गया था और कहाँ 8 किलोमीटर दोबारा आ गया। ये देखिए, और हम गलत रास्ते पे फिर पा दिया इसने। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइज। और आज हम जा रहे हैं पंजाबी सिंगर रेशम सिंह अनमोल के घर पे। तो पहले मैं जा रहा हूँ दीपक के घर पे, दीपक को उठाऊंगा वहां से और फिर हम जाएंगे रेशम सिंह अनमोल के घर पे। तो चलिए फिर आज का व्लॉग हम करते हैं स्टार्ट। तो चलिए, मैं जा रहा हूँ अभी दीपक के घर, तो चलिए चलते हैं। और मैं पहुंच चुका हूँ दीपक के घर पे। दीपक को फोन किया था मैंने, भी वो खड़ा है, देखिए गेट के अंदर, गेट खोलने लग रहा है। आजा आजा भाई, चल। हेलो हेलो, कौन हो आप? कहते हेलो, कौन है? ब्लॉगर साहब। तो भाई दीपक आ चुका है फाइनली बाहर, दीपक ने अपना मुखड़ा दिखा दिया है। क्या हाल है, क्या हाल है? तो चलो फिर अभी हम जाएंगे, दीपक की बाइक खड़ी है, एक ही एक्टिव, मेरी वाली एक्टिवा भी जाएंगे, क्यों दो जगह तेल फूकना है ना। तो चलिए फिर चलते हैं। गांव का नाम तो मुझे पता था निकाटपुर है, फिर भी एक बार हम बायोग्राफी चेक कर रहे हैं और देखते हैं। ये देखिए निकाटपुर है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ से कितना किलोमीटर है ना होम टाउन निकाटपुर। और ये रही रेशम सिंह अनमोल की फोटो। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ से कितना किलोमीटर है। 34 मिनट का रास्ता बता रहा है, देखते हैं कितना किलोमीटर है यहाँ से। 21 किलोमीटर बता रहा है यहाँ से। तो चलिए, 34 मिनट का रास्ता और 21 किलोमीटर है। तो चलिए फिर अभी हम जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। तो गांव का नाम है निकाटपुर और यहाँ से है 21 किलोमीटर। तो ज्यादा दूर नहीं है यार, 21 किलोमीटर ही है। तो चलिए, तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे बकनौर। हमें बकनौर गांव की साइड की तरफ मुड़ना है, शायद दिख नहीं रहा है आपको ना, बोर्ड काला आ रहा है। तो ये दिखाता हूँ आपको बोर्ड, ये देखिए, ये है इस साइड है, जो ये इस साइड सड़क जा रही है, ये देखिए बकनौर गांव का नाम बकनौर है। तो अभी हम जाएंगे इस साइड और 5 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से, 4.5, 5 ही किलोमीटर है। तो अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ। तो यार ये रोड हम गलत चले गए थे, ये जाता है एयरफोर्स स्टेशन पे और पीछे एयरफोर्स का गेट आ गया था। ये रोड आगे जाके खत्म था, बिल्कुल खत्म हो गया था। और जहां से हम मुड़े थे उससे थोड़ा सा आगे और रास्ता जाता है, तो यहाँ पे तो हम आगे थे गलत, अभी जा रहे हैं हम वापिस। तो यार इस मैप के चक्कर में कभी मत पड़ना, इसने 3 बार हमें गलत गांव में बांट दिया और अभी भी कह रहा है ये 5 किलोमीटर पड़ा है, 13 मिनट का रास्ता है। अभी हम यहाँ इस गांव से आए हैं निकल के, और उससे पहले हम यहाँ से आए थे, देखिए ये इस साइड चले गए थे, उस साइड यहाँ गए थे पहले हम, फिर हम इस साइड आए हैं और अभी भी फिर हम आगे आए हैं। तो ये ब्लू लाइन आगे आ गई। तो चलिए फिर अब हम मैप को बंद कर रहे हैं क्योंकि कोई फायदा नहीं है, किसी से पूछ पूछ के चलते हैं अब हम निकाटपुर है ना। तो चलिए फिर मैप कर दिया हमने बंद और अभी जा रहे हैं हम आगे। तो चलिए फिर, मैप का तो कोई काम ही नहीं है अब। तो भाइयों फाइनली हमें रोड मिल चुका है और हम गांव में पहुंचने ही वाले हैं। एक गांव आ गया है, पता नहीं कौन सा, रसूल पर, और इससे अगला गांव है नकटपुर बोलते हैं ये, वैसे निकाटपुर है गांव का नाम, गूगल पे हमने चेक किया तो ये नकटपुर कहते हैं। तो चलिए फिर अभी हम जा रहे हैं यहाँ से अगला गाँव है, तो रेशम सिंह मॉल से जाके देखते हैं घर पे मिलता है या नहीं। तो चलिए फिर चलते हैं। तो भाई ये है रेशम सिंह मॉल का घर, और यहाँ पे नहीं रहते हैं, वो मोहाली रहने लग गए।
और ये है इस साइड भी है सारा, और ये इधर ट्रेलियां ट्रोलियां खड़ी हैं। तो मम्मी जी रहते हैं उनके यहाँ पे, देखते हैं मिलते हैं कि नहीं। तो ये है भाई रेशम भाई का घर अंदर से, और उस साइड भी है देखिए, और ये अंदर से है। रेशम भाई तो है नहीं यहाँ पे, तो माता जी से बात हुई है, अभी उनकी आ रहे हैं, तो चलिए फिर मिलते हैं। और वो रहे उनके माता जी, वो आ गए, तो चलिए फिर मिलवाते हैं आपको माता जी से उनके ना। रेशम भाई तो है नहीं। पहले घर की बता दे। हाँ जी, ये मेरा पहला घर है और नमा। हाँ जी हाँ जी, कुछ नहीं है इससे बोले। तो भाई ये है रेशम सिंह अनमोल की माता जी, और माता जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और रेशम भाई हमारे गांव के पास गांव है, वहां भी काफी बार शो करने आ चुके हैं, तो अभी तो है नहीं, जब आएंगे। हम भाई जी का नंबर ले लिया हमने, जब भी हम स्टोरी देखेंगे तो फिर आएंगे। माता जी, जब आपको पता लगा कि रेशम भाई का पहला गाना हिट हो चुका है, और जब आपको पता लगा कि टीवी पर गाना आ गया, तब आपको कैसा लगा था? बेटा जी वैसे तो लगा तो बहुत अच्छा है, पर मेरे बच्चे ना बहुत मेहनत करे, लेख लिखे बेवार से पड़े कॉलेज से, माँ बाप नहीं था इनका। कॉलेज से गाता था? कॉलेज तो कह दो अड्डा गाता था बस, ये तो कहानी छोड़ दो। ठीक है जी। इसके तो ना ये अग्गा अग्गा होता था, सारे बच्चे पीछे पीछे होते थे, बचपन अड्डे ते लेगा, डब्बा देखा, तख्ता देखा, बाथरूम में बढ़ गया बस। तो मालिकों की देन है, ये सिखाया नहीं किसी ने। ठीक है जी। तो भाई बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा नेचर है माता जी का भी, और रेशम भाई का भी आप पता लगा सकते हो ना कितना अच्छा नेचर होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे आता हूँ, बंदे खुल के मिलते हैं यार। और मैं पहले बहुत सारे सिंगरों पे जा चुका हूँ, आपको पता, मेरे बहुत सारे व्लॉग्स में मैं काके के घर पे भी गया हूँ, सिद्धू मूसेवाले के घर पे भी गया था। तो हमने भाई जी का नंबर ले लिया है, और अभी रेशम भाई तो रहता नहीं है यहाँ पे, ये भाई का घर है, और भाई जी का नंबर ले लिया हमने, भाई जी रहते हैं यहाँ पे, और रेशम अनमोल भाई की मम्मी रहती है अंदर, अभी बात किया हमने। तो भाई जी का नंबर ले लिया है, और आगे से हम जब भी आएंगे स्टोरी देख के तो भाई जी को फोन करके आएंगे। ठीक है भाई जी? हाँ जी ठीक है, ओके जी। चलो भाई जी ठीक है, तो फिर चलिए फिर। तो भाई हम आ चुके हैं बाहर, और मतलब उनकी माता जी का बिहेव था ना जो, वो बहुत ही प्यारा था, और सच में यार मतलब बहुत अच्छे थे यार। जैसे मैं काके के घर पे गया था ना, और काके के जो फादर साहब थे, उन्होंने मतलब घर पे बुला के अंदर बैठा के चाय वगैरह पिलाई है ना, तो इनकी माता जी ने भी सेम वैसा ही बिहेव किया हमारे साथ। कह रही अंदर आओ, इतनी दूर से आए हो, खाली हाथ नहीं जाना, चाय पी के जाना। तो मतलब बहुत अच्छा बिहेव था यार। तो चलिए फिर आज का व्लॉग करते हैं हम यहीं पे खत्म, और मिलते हैं। और ये जरूर बताना कमेंट में कि आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है। भाई तो अपने एरिया का है, तो मैंने सोचा मैं सिंगर के साथ, दो तीन सिंगरों के साथ व्लॉग बना चुका हूँ, और रेशम सिंह अनमोल के साथ भी बना लूँ। तो चलो मैंने भाई का नंबर ले लिया, अब जब भी आता है तो हम दोबारा आएंगे, और आपको व्लॉग में रेशम सिंह अनमोल से जरूर बातचीत करवाएंगे। तो चलिए फिर चलते हैं।